फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं LYF न्यूज़। फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेटीएम के बारे में। जैसे फ्रेंड्स आपको पता होगा, यदि आपने न्यूज़ में देखा हो पढ़ा हो, कि 1 जनवरी से जो पेटीएम की जो KYC है वो स्टार्ट कर दी जाएगी और यहां पर अब आप वैलेट भी चला सकते हैं, KYC कर पाएंगे वैलेट का भी, और साथ में आप पेटीएम पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं हम KYC करके। सबसे पहले हम एक नया अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डालते हैं नया नंबर। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये जानकारी डाल दी है और अब हमें यहाँ पर सीधे कर लेना है अकाउंट को क्रिएट में, क्रिएट ए न्यू अकाउंट में क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि हमारा जो OTP है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा मोबाइल नंबर में और उस OTP को यहाँ पर डाल देंगे। हमें फ्रेंड्स OTP मिल चुका है और ये है 22 42 25 05। ये फ्रेंड्स डाल दिया है और हमने यहाँ पर कर दिया है कन्फर्म। यहाँ फ्रेंड्स आप देखेंगे कि पेटीएम अकाउंट क्रिएटेड एज पर RBI गाइडलाइंस प्लीज प्रोवाइड एनी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स कंटिन्यू यूजिंग पेटीएम वैलेट। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि हमारा जो KYC है वो यहीं से सीधे कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और नरेगा जॉब कार्ड। तो ये यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन अभी फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि इनमें से जो पैन कार्ड और पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पर आप देखेंगे नरेगा जॉब कार्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास में आधार कार्ड है और यहाँ पर आप देखते हैं कि आधार कार्ड का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर जो दिया गया है उसका ही हम यहाँ पर डाल देते हैं। अभी फ्रेंड्स काफ़ी सुविधा हो गई है। पहले आप देखते थे कि केवल आधार कार्ड ही यहाँ पर डाल सकते थे और आधार कार्ड के माध्यम से KYC कर सकते थे, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है आधार कार्ड को यूज करना, तो यहाँ पर उन्होंने आधार कार्ड को हटा ही दिया है और अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अब आप यहाँ पर वोटर ID से भी अपना KYC पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर KYC कर लेते हैं। वोटर ID यहाँ पर नंबर डाल देंगे तो जो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर हमें नाम डाल देना है जो हमारा वोटर ID में लिखा है। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया है नाम। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कंफर्म कर देना है और इसके पश्चात हमने कर दिया है सबमिट में क्लिक। जैसे फ्रेंड्स सबमिट करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ₹1000 वर्थ ऑफ डील्स ग्रैब नाउ, तो क्लेम्ड, तो यहाँ पर इन सब की कोई शायद ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कुछ भी परचेज करना नहीं चाहते हैं। पेटीएम ऑफ KFC यूजिंग पेटीएम एट पिज्जा हट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, इसको हमने हटा दिया है। और अब आप यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि अपना जो यहाँ पर हमें और क्या क्या हमें यहाँ पर मिलता है, हमारा जो वैलेट का KYC है पूर्णतः हो चुका है। यहाँ पर बैंक का सेक्शन है, यहाँ पर जाके देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे इंडियाज मोस्ट सिंसियर बैंक इज हियर, ओपन योर सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पर हम जाके देखते हैं कि सेट योर पेटीएम पासकोड, तो हमने यहाँ पर पासकोड डाल दिया है और दोबारा से हमें यहाँ पर डाल देना है
और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऐड ए नॉमिनी फॉर योर बैंक अकाउंट, आई विल डू इट लेटर, हम बाद में करेंगे, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड में आपको क्लिक करना है। गेट योर KYC डन, KYC पॉइंट प्लीज वेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें KYC के लिए हमें जो नज़दीक में सेंटर है वहाँ पर जाना है और हमें अपना जो KYC है वो कंप्लीट करवा लेना है। KYC एंड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, तो हमने यहाँ पर स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है मध्य प्रदेश। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर हमें अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट केवल लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट ही दिखाई दे रहे हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर ग्वालियर को कर लेते हैं। पिन कोड तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर MP में लिमिटेड KYC के ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स जाके सीधे आप अपना जो KYC है वो करा सकते हैं। फॉर्म सेंटर डिसीजन, तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो चुका है। और हमारा इस तरह से आप देखेंगे कि जो KYC है वो भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बड़े आसानी से अपना जो KYC आप करा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, योर वैलिड लिमिट्स 10,000 पर मंथ और वैलिड टिल 3 जनवरी 2020 तक के लिए आपका वैलिड हो गया है, पूरे एक साल तक के लिए। करंट मंथली अपग्रेड अकाउंट अनब्लॉक बेनिफिट्स, यानी यदि आपको अपग्रेड कराना है तो आपको यहाँ पर KYC इसका कराना होगा, जाके किसी आपको दुकान में जहाँ से आपका थंब इम्प्रेशन के माध्यम से KYC होता होगा, यदि और कोई तरीका है तो भी। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप बहुत आसानी से अपना KYC करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक जानकारी थी, क्योंकि अभी तक जो KYC था Paytm का या अदर जितने भी बैंक थे उन सभी का बंद हो चुका था, लेकिन अब आसानी से सब कुछ ओपन हो चुका है और अब आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपना वैलेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।